वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसिस वर्क बेंच के बारे में। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि एनसिस है क्या। एनसिस इज़ अ एनालिसिस सॉफ्टवेयर एज वेल एज डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर ऑल्सो। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को डिज़ाइन भी कर सकते हैं और उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डिज़ाइनिंग के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका सॉलिड वर्क, कैटिया, प्रोई, इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा आपको फंक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि ये जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो आपको किसी और सॉफ्टवेयर पे सिखाऊं, जैसे कि सॉलिड वर्क हो गया और कैटिया हो गया, आप वहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हो और बनाने के बाद इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ एनसिस के बारे में बात करेंगे, जिसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे और कि किस किस मॉड्यूल में आप किस किस तरीके के एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, सो ये जो वर्क बेंच है, एनसिस के अंदर दो सॉल्विंग मॉड्यूल होते हैं, एक होता है हमारा APDL और एक होता है हमारा एनसिस वर्क बेंच। मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो वर्क बेंच है, वो इसलिए क्योंकि इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो किसी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर की तरह है, यानी जो भी चीज़ आप कर रहे होते हैं वो आपके सामने दिखता रहता है। बस APDL में ऐसा नहीं है। एक्चुअली आपने कोई डिज़ाइन किया, आपने कोई वैल्यू प्रोवाइड की, कोई लोडिंग लगाई, तो कभी कभी क्या होता है वो दिखता भी नहीं है और वो बैकग्राउंड में लग चुका होता है। ठीक है, तो ये यूज़र इंटरफेस है, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये एनसिस वर्कबेंच का यूज़र इंटरफेस है, जिसमें यहाँ पर जो टैब दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे एनालिसिस हैं जो एनसिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर ये सारे के सारे आपके कहलाते हैं मॉड्यूल, यानी कि अलग अलग मॉड्यूल। अगर आप कहीं बाहर सीखने भी जाएंगे एनसिस को, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप कौन सा मॉड्यूल सीखना चाहते हो। आप थर्मल एनालिसिस सीखना चाहते हो, या आप फ्लूइड CFD एनालिसिस सीखना चाहते हो, यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सीखना चाहते हो, आप स्टैटिक स्ट्रक्चर सीखना चाहते हो, या आप मॉडल एनालिसिस सीखना चाहते हो। ये अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, जिस मॉड्यूल में आप अलग अलग तरीके के एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो मैकेनिकल में यूज़ होते हैं, मैकेनिकल वाले, तो वो मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जैसे कि हमारा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो मॉड्यूल हैं, वही मैं आपको यहाँ पर इस चैनल में एक्सप्लेन करूँगा और आगे उन पर ही वीडियो आपको मिलेंगी। तो जो पहला है हमारा है एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स। ये जो एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स है, इसमें हम उस तरीके के एनालिसिस करते हैं जिसमें कोई भी एक्शन सडन प्लेस ले रहा हो। सडन प्लेस लेने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके हाथ में एक बॉटल है और आप अचानक से उसको क्रश कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, तो ये एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स में आता है, यानी कि जो सडन प्लेस लेते हैं, अचानक से होने वाले जो एनालिसिस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक पंच है, फॉर एग्जांपल एक फाइटर है, वो अचानक से किसी के पंच मार देता है, तो ये सडन टेक प्लेस लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट हो गया, एक दूसरी गाड़ी से अचानक से टकरा जाती है, तो ये जो इस तरीके के एनालिसिस होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, हमारे एक्सप्लिसिट डायनेमिक। गाड़ी अगर किसी वॉल से टकरा जाती है, गाड़ी किसी पोल से टकरा जाती है, या फिर फॉर एग्जाम्पल इम्पैक्ट एनालिसिस करना है, जैसे कि आइजोड चारपी वाला, तो ये भी सडन प्लेस होता है क्योंकि अचानक से एक ऑब्जेक्ट टकराता है। तो ऐसे एनालिसिस हमारे आते हैं एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स में। ओके, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ज़्यादा यूज़ होने वाला एनालिसिस है वो है हमारा फ्लुएंट फ्लो, जिसका नाम है CFX। अब मैं आपको दो एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ, ये फ्लुइड फ्लो फ्लुएंट और इसके साथ साथ फ्लुइड फ्लो CFX, ये दोनों के दोनों CFD एनालिसिस में काम करते हैं। CFD एनालिसिस का मतलब कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड में कोई भी चीज़ जो फ्लो कर रही है, अगर आपको उसका एनालिसिस करना है तो आप CFX की हेल्प ले सकते हैं या फिर फ्लुएंट फ्लो की हेल्प ले सकते हैं। जो CFX है ये एनसिस का खुद का अपना मॉड्यूल है, यानी जब एनसिस ने CFD एनालिसिस की एक एप्लीकेशन बनाई तो उसको नाम दिया CFX। लेकिन ये जो फ्लुएंट फ्लो है, फ्लुएंट जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये परचेस्ड है, यानी कि अलग कंपनी से परचेस करने के बाद इस एनसिस वर्कबेंच में डाल दिया गया है। ये भी आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कराता है। अगर आपको एनालिसिस करना है कि एक पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसका एनालिसिस करना है, उससे फ्लूइड उसके ब्लेड्स पर कितना प्रेशर आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपका सीलिंग फ़ैन है या एग्जॉस्ट फ़ैन है उसके फ़ैन पर कितना प्रेशर आ रहा है, या फिर फ्लो जो हो रहा है एयर का, उसका मास फ्लो रेट कितना है, इनलेट पर वेलोसिटी ये थी और फ़ैन की स्पीड हमने अलग रखी,
फ़ैन की स्पीड को बढ़ाया या घटाया, तो आउटलेट पर क्या मास फ्लो रेट है, वो सारी की सारी चीज़ें आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं, इन दोनों एनालिसिस की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद जो ज़्यादा यूज़ होने वाला एनालिसिस मॉड्यूल है वो है हमारा मॉडल एनालिसिस, जो जिस पर आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पर। मॉडल एनालिसिस होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि मॉडल एनालिसिस है क्या। अगर आपको कोई ऐसा एनालिसिस करना है कि आपने कोई मॉडल बनाया, कोई डिज़ाइन बनाया, और आप चेक करना चाहते हैं कि ये कितनी फ्रिक्वेंसी पर फेल हो जाएगा, यानी इसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या है, यानी उसकी फेलियर फ्रिक्वेंसी अगर आपको कैलकुलेट करनी है, तो आप मॉडल एनालिसिस की हेल्प से कर सकते हैं। सपोज़ आपने कोई ब्रिज बनाया और कोई बिल्डिंग बनाई और आप चाहते हैं कि मुझे उसे चेक करके बताना है कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है फेल होने की, यानी ये कितने हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर गिर जाएगा, अगर भूकंप आता है कभी तो कितनी फ्रिक्वेंसी चाहिए कि ये गिर जाए, तो वो सारे एनालिसिस आप कर सकते हैं मॉडल में जाने के बाद। ओके, इसके बाद जो अगला एनालिसिस है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो है हमारा स्टैटिक स्ट्रक्चरल। में आप क्या कर सकते हैं, स्टैटिक स्ट्रक्चरल का मतलब ये है, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, यानी जो टाइम के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है, यानी वो सारे एनालिसिस जिसमें लोडिंग कंडीशन टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगी, वो सारे एनालिसिस आप इसमें कर सकते हैं। स्टैटिक स्ट्रक्चरल का मतलब, सपोज़ आपकी किसी रॉड पर UDL लग रहा है, UVL लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है, या पॉइंट लोड लग रहा है, या सरफेस लोड लग रहा है, कोई प्रेशर लग रहा है, ये सारे के सारे एनालिसिस आप स्टैटिक स्ट्रक्चरल में कर सकते हैं। अब स्टैटिक स्ट्रक्चरल के साथ साथ मैं सीधा जंप करके आ जा रहा हूँ ट्रांजिएंट स्ट्रक्चरल पे। वो इसलिए मैं जंप कर रहा हूँ क्योंकि ये भी स्ट्रक्चरल है और ये भी स्ट्रक्चरल है। ओके, यहाँ पर स्टैटिक स्ट्रक्चरल लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर ट्रांजिएंट स्ट्रक्चरल लिखा हुआ है। ओके, अब होता क्या है, स्टैटिक में टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट, यानी जो एनालिसिस आप करोगे वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में होगा, यानी कि एक सेकंड के लिए आप निकालेंगे। ओके, बट जो ट्रांजिएंट स्ट्रक्चरल है इसमें आप एक से ज़्यादा सेकंड के लिए निकाल सकते हैं, यानी कि आपने कोई लोड लगाया जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। ओके, वो सारे के सारे एनालिसिस आप ट्रांजिएंट स्ट्रक्चरल में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि मैं कोई एनालिसिस 10 सेकंड तक कैलकुलेट करना चाहता हूँ, और जब टाइम एक सेकंड था और वो लोड की वैल्यू थी 0.1, जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो लोड की वैल्यू हो गई 0.5, 3 सेकंड पर लोड की वैल्यू हो गई 1, तो ये लोड बढ़ता जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप इस तरीके का कोई एनालिसिस करना चाहते हैं तो वो आपका आ जाएगा ट्रांजिएंट स्ट्रक्चरल। डन हो गया, दोनों समझ में आ गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्टडी स्टेट थर्मल। अब याद रखना थर्मल है तो यानी कि थर्मल एनालिसिस सारे के सारे इसके अंदर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई ऐसा एनालिसिस करना है कि एक हमारा इंजन है, इंजन के चारों तरफ फिन्स हैं, और जब इंजन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिन्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, और फिन्स का जो हीट डिसिपेशन रेट है वो सब चीज़ें निकालनी है। इस तरीके का कोई भी एनालिसिस अगर आपके दिमाग में है तो वो सारा का सारा आपका आ जाता है स्टडी स्टेट थर्मल में। अगेन मैं रिपीट करूँगा, स्टडी स्टेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो एनालिसिस होगा इट्स फॉर 1 सेकेंड, बट अगर आप चाहते हैं कि वो एनालिसिस एक से ज़्यादा समय के लिए हो, स्टडी कंडीशन में ना हो, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो आप चले जाएंगे ट्रांजिएंट थर्मल में। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारा स्टैटिक स्ट्रक्चरल में था और ट्रांजिएंट स्ट्रक्चरल में था, वैसे ही हमारा स्टडी स्टेट थर्मल में है और ट्रांजिएंट थर्मल में है, यानी कि अगर आपको टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है तो आप ट्रांजिएंट थर्मल में चले जाएंगे। तो ये थे इसके एनसिस के कुछ मॉड्यूल जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा जैसे कि इसमें हार्मोनिक एनालिसिस भी है, ये लिखा हुआ दिख रहा होगा हार्मोनिक रिस्पांस एनालिसिस, ये आपको सेम वैसा ही एनालिसिस है जैसे y = a sin ωt, तो ये सारी की सारी वैल्यूज इसमें फीड हो जाएंगे। क्लियर हो गया, तो ये तो था हमारा क्विक ओवरव्यू एक हमारे एनसिस का। इसका मैं एक मॉड्यूल आपको खोल कर दिखा देता हूँ, जब इस पर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं मॉडल पे ही क्लिक कर रहा हूँ तो पहली वीडियो मेरी मॉडल एनालिसिस पर ही आएगी, इसके बाद हम सारी चीज़ें सॉल्व करते चल जाएंगे वन बाय वन, और मैं आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के साथ सॉल्व करके दिखाऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि बाउंड्री कंडीशन कैसे लगाते हैं, कैसे किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज करते हैं, किस तरीके से मटेरियल को सर्च करते हैं, किस तरीके से उसमें R&D करते हैं, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और आप किस तरीके से उस पर रिसर्च पेपर भी लिख सकते हैं।
ओके तो ये हमारा जैसे हमने डबल क्लिक किया तो इस तरीके का कुछ इन्वायरमेंट आता है। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग डेटा पे रेड ग्रीन टिक हो रखा है, तो इसका मतलब इंजीनियरिंग डेटा ऑलरेडी इसके अंदर फीड है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चरल स्टील रहता है। जैसे जैसे आप ये स्टेप कंप्लीट करते रहते हैं, यहाँ पर हमारा ग्रीन टिक आता रहता है। ज्योमेट्री आप बनाएंगे तो ज्योमेट्री पे टिक हो जाएगा। अगर आप कहीं से इंपोर्ट करना चाहते हैं ज्योमेट्री, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंपोर्ट। आप चाहो तो यहाँ से जाकर अपनी कोई भी ज्योमेट्री जो आपने पहले बना रखी है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको उसे सेव करना होगा, बट जब आप किसी और डिज़ाइन में, किसी और डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में ज्योमेट्री बनाएंगे तो आपको उसको सेव करना होगा। आप उसको डायरेक्टली स्टेप फाइल में सेव करके यहाँ पर इंपोर्ट कर लें, सबसे सिंपल सा तरीका। ओके यानी आपको स्टेप फाइल में उसको सेव करना है और यहाँ पर इंपोर्ट करना है। स्टेप फाइल में सेव किया और यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। ओके जैसे आप इंपोर्ट करोगे आप उसको डायरेक्टली, वो यहाँ पर ग्रीन टिक हो जाएगा, आप मॉडल पे क्लिक करके आप आगे का फर्दर एनालिसिस शुरू कर सकते हैं।